हेलो एवरीवन, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है। हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए वन बाय वन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। दो इक्वेशन है, फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो मैं फर्स्ट रिज्यूम कर रहा हूं और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक, इसको मैं सेकंड रिज्यूम कर रहा हूं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। ठीक है, चाहे तो मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा या फिर y को एलिमिनेट कर दूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या एलिमिनेट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि x को एलिमिनेट करना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 5। तो एक्स 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसको मैं थर्ड रिज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x है। ठीक है, तो अगर सेकेंड में थर्ड को माइनस कर देंगे तो 2x एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या y। सब्ट्रैक्टिंग थ्री फ्रॉम टू। ठीक है, तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस ये क्या हो गया, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y, 4 माइनस 10 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 6/5। तो y की वैल्यू हमें आ गई 6/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, y 6/5, फाइव माइनस 6/5 25 माइनस 6 दैट इज 19/5। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, ये मैंने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। अब मैं यूज करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। मैं फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल कर सेकंड में पुट कर दे रहा हूं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, इन इक्वेशन 2 क्या हो गया, 2 इन 2x है और x हमने क्या निकाला, 5 माइनस वाई, तो 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4, माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। तो माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 6/5। अब इस y की वैल्यू को आप किसी में डाल दो, putting the value of y in equation 1. Equation 1 है x plus y equals to 5, y हमने निकाला 6/5, x equals to 5 minus 6/5,
हमने जस्ट अभी सॉल्व किया वो कितना हुआ था 19/5। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपका x और y की वैल्यू सेम ही आई 19/5 एंड y इक्वल्स टू 6/5। सेकेंड पार्ट है 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इसको फर्स्ट इसको सेकेंड रिज्यूम कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4y वाला टर्म सेम हो जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2x - 2y = 2 × 2। तो 4x - 4y = 4। इसको आप थर्ड रिज्यूम करो। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्लस भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है 3x + 4y = 10। 3x + 4y = 10 एंड थर्ड क्या है 4x - 4y = 4। 4y = 4 ऐड कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया 3x + 4x = 7x। 7x = 14। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/7 दैट इज 2। x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू किसी में डाल दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 3x + 4y = 10। x क्या है 2 + 4y = 10। 6 + 4y = 10। 4y = 10 - 6, 4y = 4, y = 4/4। This implies y = 1। तो y की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू क्या आई 2। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया x = 2 एंड y = 1। तो इनको करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फर्स्ट ये है 3x + 4y = 10 और सेकेंड है 2x - 2y = 10। तो इसमें सेकंड में से मैं x की वैल्यू निकालूंगा और फर्स्ट में पुट करूंगा। तो 2x = 2 + 2y, तो x = 2 + 2y / 2। यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 + y / 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई y + 1। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट में डाल रहे हैं। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 3x, तो जहां पे x है वहां डाल देंगे y + 1 + 4y = 10। तो 3y + 3 + 4y = 10। 3y + 4y = 7y और इसको आप उस तरफ भेजो 10 - 3। तो दिस इंप्लाइज 7y = 7। जब 7y = 7 है तो y = क्या हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 7/7 दैट इज 1। तो y की वैल्यू हो गई 1। अब इस y की वैल्यू को आप सेकंड में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 2, x - 2y = 2, y क्या है 1, तो 2x - 2 × 1
equals to 2. So 2x minus 2 equals to 2. 2x equals to 2 plus 2, 4. X equals to 4 upon 2. That is 2. Number of solution kya aaya? X plus 2 and y equals to 1. थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0. इस माइनस 4 को मैं इक्वल टू गुजर कर देता हूँ तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4. इक्वेशन फर्स्ट हो गया. यहाँ पे है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7. y को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा ये 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 सेकेंड. ठीक है, इसमें कोई एक सेम करना है तो अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे में तो 9x वाला टर्म सेम हो जाएगा. लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 तो 3 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 3 इंटू 4 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12. इसको आप थर्ड एज्यूम करो. ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको मैं माइनस कर देता हूँ सेकेंड में. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 2, ये क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7. इसमें माइनस करना है हमें ये तो 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12. माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया. ये माइनस 2y प्लस 15y 13y 7 माइनस 12 माइनस 5. ठीक है, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 5 अपॉन 13. ये y की वैल्यू आ गई. अब मैं x निकालना है. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. Three x minus 5y equal to 4. Y है minus 5 upon 13 equals to 4. तो यह 3x plus 25 upon 13 equals to 4. तो 3x equals to 4 minus 25 upon 13. 3x equals to 52. माइनस 25 अपॉन 13 तो 3x इक्वल्स टू 27 अपॉन 13. 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में तो x क्या हो गया 9 अपॉन 13. तो x की वैल्यू है 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन 13. थर्ड पार्ट अब इसको इस मेथड से यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ये क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 एंड 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7. ठीक है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है. मैं फर्स्ट से x की वैल्यू को निकाल करके सेकंड में डाल रहा हूँ या फिर सेकंड से निकाल के आप फर्स्ट में डाल सकते हैं. मैं सेकंड से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 9x माइनस 7 इक्वल्स टू 2y, y इक्वल्स टू 9x माइनस 7 अपॉन 2. अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट में डाल दो. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट 3x है माइनस 5y. y क्या है 9x माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल टू 4. ठीक है, 2 एलसीएम हो गया तो क्या हो गया 6x माइनस 45x प्लस 35
equals to 4. 6x minus 44x minus 13x minus 39x plus 35, so cross multiply kar, that is equals to 8. ठीक है, तो minus 39x equals to 8 minus 35, 39x equals to minus 27, minus minus cancel, 3 से cancel, x equals to 27 upon 39, 3 से cancel होगा 9 times में, ये 13 times में, तो x क्या हो गया आपका 9 upon 13. Putting the value of x in equation first. Three x minus 5y equal to 4. ठीक है, x क्या है 9 upon 13. तो 3 into 9 upon 13 minus 5y equals to 4. तो 9 3 is 27 upon 13 minus 5y equals to 4. 4 को इस तरफ ले आओ और 5y को इस तरफ भेज दो. 5y equals 27 upon 13 minus 4. 13 एलसीएम हो गया, तो 27 minus 52 upon 13, 5y equals to 25 upon 13. 5 से कैंसिल हो गया ये 5 टाइम्स में, तो y equals to क्या हो गया minus 5 upon 13. तो सॉल्यूशन ये आया, x equals to 9 upon 13, y equals to minus 5 upon 13 plus 2y upon 3 equals to minus 1. ठीक है, इसमें 6 LCM हो जाएगा, तो 3x plus 4y equals to minus 1. तो 3x plus 4y equals to minus 6, इसको आप फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ. सेकेंड है x minus y upon 3 equal to 3, x minus y upon 3 equal to 3. तो 3x minus y equals to 9, इसको आप सेकेंड एज्यूम कर लो. ठीक है, 3x दोनों में है, तो एक को किसी सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, आपका 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट. सेकेंड क्या है, फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6, और ये है 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 5y इक्वल्स टू माइनस 15, 5y माइनस 15 है, तो y क्या हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 5, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 3, तो y की वैल्यू आई माइनस 3. अब इस y की वैल्यू को मैं फर्स्ट में डाल दे रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, y क्या है माइनस 3, तो 3x माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6, 3x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू 6, x इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, दैट इज 2, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल टू माइनस 3, ये सॉल्यूशन है इसका. अब इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. फोर्थ पार्ट में इक्वेशन था हमारे पास 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6, 3x माइनस y इक्वल टू 9. अब हमें सॉल्व करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से. मैं सेकंड में से y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल रहा हूँ, तो 3x माइनस 9 इक्वल्स टू y, इस y की वैल्यू को मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ,
putting the value of y. In equation first. ठीक है 3x plus 4y equal to minus 6. ठीक है y हमने क्या निकाला है 3x minus 9 equals to minus 6. तो 3x 4 into 3 12x minus 36 equals to minus 6. तो 3x plus 12x 15x minus 6 plus 36. तो 15x equals to 30. x equals to 30 upon 15 कैंसिल हो गया. x equals to 2 आ गया. अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2. Equation 2 kya hai 3x minus y equal to 9 aur humne x kya nikala hai 2 to y equals to 6 minus 9 that is y equals to minus 3. तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया x equals to 2 y equals to minus 3. हे दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए. साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.